ओके सो यू व्हाट्स अप गाइस, गाइस वीडियो में तो बड़ी यही हो गाइस। आज जो है हम लोग दोबारा से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। एंड देखो आज की इस वाली वीडियो में मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ कि आप लोग जो है यहाँ पे अपना एक खुद का आयरन फार्म कैसे बना सकते हो, जिसके थ्रू आपको अनलिमिटेड आयरन मिलने वाला है। तो यहाँ पे गाइस देखो, मैंने मैंने येलो आयरन फार्म बना रखा है। मैं आपको सिखाऊंगा कि आप ऐसा कैसे बना सकते हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो जो आयरन गोलम्स होते हैं वहाँ पे स्पॉन होते रहते हैं और यहाँ पे आउट होते रहते हैं। देखो यहाँ पे एक स्पॉन हुआ आयरन गोलम और वो लावा में जाके खत्म हो गया। और जो इनका आयरन होता है मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो ये देखो यहाँ पे जो है मैंने ये बना रखा है अंडरग्राउंड। तो ये गेट होता है तो खोलो और यहाँ पे चले जाते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मेरे पास यहाँ पे आयरन ही आयरन मैं यहाँ पे अपने इकट्ठा करता रहता हूँ लाइक दिस। ये देखो भाई 64 64 64 64, मतलब यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 5, मेरे पास यहाँ पे पूरे 5 वो हो चुके हैं अपने स्टैक्स आयरन के। तो भाई तुम लोग भी ऐसे जो है अपना रिच बन सकते हो, मतलब कि तुम लोग अपना ऐसे अमीर बन सकते हो, ठीक है। मतलब आयरन ही आयरन तुम्हें यहाँ पे जो मिलने वाले हैं। यहाँ पे देखो एक और स्पॉन हुआ, बहुत जल्दी जल्दी स्पॉन होते हैं। और यहाँ पे देखो ये अपने लावा में जाके खत्म। तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोग को जो है आप लोग को मैं बताता हूँ कि आप लोग जो यहाँ पे इसको कैसे बना सकते हो ऐसा फार्म। आयरन गोलम स्पॉन हुआ और यहाँ पे आके वो देखो खत्म होने वाला है बिल्कुल। ये गया और वहाँ पे जाके लावा में खत्म, ठीक है। तो ये अभी आज मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ कि आप लोग कैसे बना सकते हो। तो चलो मैं आपको जो है यहाँ पे तो फिलहाल जो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जो है मैंने याली जो ये होती है जगह याली मैंने वो सोची कि मैं आपको यहीं पे मैं आपको बना के दिखाऊंगा। ये ऐसी मतलब टेम्पररी में बाद में हटा दूंगा उसको, या फिर मैं उसको जो है यहाँ पे रख भी सकता हूँ क्योंकि मुझे और आयरन मिलता रहेगा फिर। तो मैं कुछ लोगों से यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। तो स्टार्टिंग हम लोग करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो देखो आपके लिए जो सामान चाहिए होगा वो आपको ये चाहिए होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले आपको चाहिए होगा हाँ ये स्कैफ फोल्डिंग, ठीक है। तो आपको ये चाहिए होगा स्कैफ फोल्डिंग। आ जा भाई यही है ना स्कैफ फोल्डिंग। तो ये जो स्कैफ फोल्डिंग होता है आपको ये चाहिए होता है, ठीक है। मैं जो है यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा वीडियो के लास्ट में, ठीक है। वहां से जाके आपको जो मतलब सारा सामान मिल जाएगा जो भी आपको मतलब जिनकी नीड होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको ये चाहिए होगा अपना स्कैफ फोल्डिंग और आपको इसको यहाँ पे स्टेप्स रखना है, ठीक है। यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। अब आपको देखो करना क्या है, आपको ना यहाँ पे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो होता क्या है, अगर आप इसके ऊपर एक 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 करके रखोगे तो होगा क्या कि वो इसको कि वो उसके ऊपर नहीं आएंगे, ये से साइड में जो है ये अपना लगते अपना चले जाएंगे, ठीक है। तो आपको अगर आप चाहते हो कि ये एक के ऊपर एक आए तो करना क्या होगा, यहाँ पे आपको वो करना है क्लिक, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो है ये अपना ऊपर अपना जो है ऊपर अपना जो है ज्यादा जाएंगे। भाई तू यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ से तो इससे मुझे फिलहाल मुझे एक कॉटन मिल गई होगी शायद, नहीं मैं यहाँ पे अपना फिलहाल अपना क्रिएटिव मोड में हूँ तो इसलिए मुझे यहाँ पे इस टाइम नहीं मिला इसका। तो हाँ मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि आप लोगों को करना क्या है, आपको जो है यहाँ पे करना है क्लिक। देखो यहाँ पे, ठीक है, इस टाइप से। तो देखो एक और यहाँ पे जो हमारा इसके ऊपर आ चुका है। तो अभी यहाँ पे जो है आपको ऐसे पूरे 20 बनाने हैं, ठीक है। मतलब आपको ऐसे पूरे 220 रखने हैं एक ऊपर एक। तो ये तुम्हारा एक ऑलरेडी हो चुका है तो इसको एक और डालते हैं। तो 2 हो गई है, नाउ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे आपको ऐसे 20 की हाइट में रखना है, ठीक है, लाइक दिस। अभी वहां तो देखो वहां तो उसको तो छोड़ ही दो क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है ये एक पूरा 20 हाइट का बना लिया, ठीक है। तो अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। तो अब आपको जो है अब आपको यहाँ पे जो 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 आपको सेकंड चीज चाहिए होगी वो आपको यहाँ पे चाहिए होगी पॉलिश्ड डिस्प्ले, ठीक है। तो ये देखो पॉलिश्ड डिस्प्ले आपको यहाँ पे चाहिए होगी। तो ये रही हमारी पॉलिश्ड वाली डिस्प्ले। तो इसको आपको इसके ऊपर रखना है, ठीक है। एंड एक इसको ऐसे साइड में रखना है आपको, मैं आपको दिखाता हूँ लाइक दिस। एक साइड में आपको रखना है और एक आपको रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हमारा इतना इतना काम हो चुका है, ठीक है। अभी मैं आपको दोबारा बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा स्कैफ फोल्डिंग था ऐसा आपको ऐसी 20 की हाइट पे रखना है, ठीक है। तो और जब आप ऐसे ऊपर आओगे तो आपको यहाँ पे जैसे ये आपको ये पूरी 3 यहाँ पे रख देना है, ठीक है, पॉलिश्ड डिस्प्ले, ठीक है, यहाँ लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे आपको 3 और लगाने, 1 2 3, ठीक है, इस टाइप से। तो देखो यहाँ पे तो हमने लगा दी तो ऑलरेडी 3, अब हमें ऐसे लगाने 3, ठीक है। तो यहाँ पे लगा दी, यहाँ पे लगा देते हैं 1 2 3 और हम यहाँ पे भी लगा देंगे 1 2 3, सॉरी ये एक कर देंगे, हाँ। तो अब हमें जो है यहाँ पे इस टाइप से ये अपने हमें लगा देना है, ठीक है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे वो अपना चलिए होगा पता। अभी जो है यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हम 2 और लगा देंगे। भाई मुझे बस जरा देख लेते जरा कहीं मैं सही भी बना पा रहा हूँ ना। हाँ ये ऐसा था,
हाँ ठीक है, तो अभी जो है मैं कई बार भूल भी जाता हूँ मैं, तो यहाँ पे देखो अब आपको यहाँ पे अपना क्या करना होगा, यहाँ पे भी आपको ऐसे तीन लगा देना है, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लगा देना है। हाँ ऐसे ही होगा ना, मुझे पहले देखने दो यार, क्योंकि है ना कई बार याद नहीं रहता। ये इस टाइप से लगेंगे, अभी तो ठीक ही है ना। ये इस टाइप से है ना। हाँ तो देखो यहाँ पे जो है मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या होगा। यहाँ पे जो है आपको रखने हैं अब यहाँ पे अपने ग्लास, ठीक है, तो ग्लास हम लोग यहाँ पे रखेंगे, तो ग्लास, हाँ तो यहाँ पे आपको चाहिए ब्लैक स्टेन ग्लास, ठीक है, तो ब्लैक स्टेन ग्लास हमें लेना है। और हमें यहाँ पे जो है करना क्या है, देखो आपको जो है एक यहाँ पे रखना है, ठीक है, और एक इसके साइड में रखना है, ठीक है, और उसके बाद इस वाले को आपको यहाँ पे जो है तोड़ देना है, ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पे जो है ये ऐसे लगाते जाना है इसके साइड साइड में, ठीक है। तो इस टाइप से मैं आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे दिखाता हूँ, तो ये हम यहाँ पे जो है मैं आपको लगा ला के दिखा रहा हूँ, लाइक दिस, इसको तोड़ो यार। हाँ तो यहाँ पे जो है ये मैं इस टाइप से लगाया था, ठीक है, तो जो भी मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ आपको वही उस टाइप से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे यहाँ पे फिलहाल इतना हो चुका है, ठीक है, एंड अभी आपको क्या करना है, अभी आपको जो है यहाँ पे ऐसे दो और लगाना है ऐसे ऊपर ऊपर, तो 1 एंड 2, ठीक है, और यही सेम चीज़ आपको यहाँ पे पूरी साइड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये हमारा लास्ट हो गया, ठीक है, अभी हमारे यहाँ पे इतना काम हो चुका है, ठीक है। अभी देखो आपको क्या क्या करना होगा, ये आपको यहाँ पे जो तोड़ तोड़ देना है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो है ना ये आपको तोड़ देना है इस टाइप से, तोड़ तोड़ दो उसको, क्योंकि ये हमने बेस के लिए बनाया था। हाँ तो यहाँ पे हमारा इतना हो गया, अभी जो है यहाँ पे था ना, यार ये मैं भी भूल ही जा रहा हूँ बार बार, ये इस टाइप से था, तो इसको जो है हमें, हाँ तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे ऐसे ग्लास, ठीक है, ये हमने लगा दिया यहाँ पे ग्लास लाइक दिस, ओके। तो यहाँ पे आपको ये लगा देना ग्लास उसको तोड़ने के बाद, ओके, कई बार मैं भी पहले भूल जा रहा हूँ क्योंकि इसको याद करना थोड़ा हार्ड होता है। हाँ तो अभी यहाँ पे आप लोग देखो यहाँ पे जो है आपको इस तरीके का एक पूरा एक यहाँ पे बना लेना है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो आपने वॉल बनाई है ना, इसको आपको ये पूरे 3 ब्लॉक्स की होनी चाहिए, तो 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल सही बनाया है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे जो जो आपको यहाँ पे थर्ड चीज़ चाहिए होगी, वो आपको यहाँ पे चाहिए होगी, यहाँ पे आपको चाहिए होगा वॉस्ड, एक नाम था उसका, हाँ वॉस्ड ऑक्सीडाइज्ड कॉपर, ठीक है, ये आपको यहाँ पे चाहिए चाहिए होगा, तो इसको हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, लाइक दिस, ये आपको चाहिए होगा। मैं जो है आपको लास्ट में सारे स्क्रीनशॉट बता दूंगा, मैं एक स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे दिखा दूंगा ताकि आपको वो चल जाए पता, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको करना क्या है, ये जो आपको ये जो अपने ये जो तीन ये दिख रहा है ना, ये वाले ब्लॉक, ये ग्रे कलर के, तो आपको इसके ऊपर रखना है ये ऐसे 3 1 2 3, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे ये वाला जो अपना ब्लॉक है ये वाला, आपको इसको यहाँ पे आपको इसको इसको छोड़ के इसके ऊपर लगा देना, मतलब आपको एक जो 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 ब्लॉक का गैप देना है और ऐसे ऊपर लगा दो, तो 1 2 एंड यहाँ पे आगे अपना 3, ठीक है। तो आपको इस टाइप से करना है, ठीक है, आपको यहाँ पे जो है जो आपकी बीच वाली जो लेयर होगी ना, आपको उसको जो है यहाँ पे रहने देना है, ठीक है, उस पर आपको नहीं लगाना है ये, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे इतना काम हो चुका है, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें यहाँ पे चाहिए पूरे 3 बेड, तो बेड यहाँ पे मैं अपने ले लेता हूँ, आपको कोई से भी ले लो, रेड ब्लैक कोई सा भी, उसमें कोई ऐसी वो नहीं प्रॉब्लम। और यहाँ पे जो है यहाँ पे ये जो आपने लगाया था ना, इससे एक जो जो वो होता है ब्लॉक उसको छोड़ के यहाँ पे लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दिया एंड एक यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये जैसे यहाँ पे बीच की लेयर छोड़ी थी ऐसे यहाँ पे छोड़ दो, ठीक है, बीच की लेयर। अभी आपको यहाँ पे जो है अभी आपको यहाँ पे चाहिए होगा एक नेम, अपना नेम टैग, ठीक है। अभी देखो मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी एक है, ठीक है, ये रहा अपना नेम टैग, एंड ये जो नेम टैग है मैंने इसका नाम रखा है नूबड़ा, ठीक है। अब वो क्यों तुम आपको भी बताता हूँ, तो देखो सबसे पहले नेम टैग रेडी कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ, उसके लिए आपको एनविल चाहिए होता है। अभी देखो एनविल यहाँ पे बस मैं आपको बता रहा हूँ कि नेम टैग बनता कैसे है, ठीक है, बाकी अभी हमें एनविल का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें करना क्या होता है, हमें एक एनविल चाहिए होता है और हमें यहाँ पे एक नेम टैग चाहिए होता है जो कि बिल्कुल न्यू हो, ठीक है, ये रहा हमारा नेम टैग, ठीक है। अभी देखो अभी 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 इस पर कोई नाम नहीं है, अभी हमें क्या करना है, ये जो हमारा एनविल के ऊपर हमें करना है क्लिक, एंड ये जो हमारा नेम टैग था जिसके ऊपर भी कोई नाम नहीं, इसको यहाँ रख देना है, ठीक है। और अब आपको यहाँ पे इसको कोई भी नेम दे देना है, अरे यहाँ पे इसको रखो, हाँ तो अभी हमें यहाँ पे इसको जो कोई भी नेम दे देना है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ मान लो भोंदू, ठीक है, तो भोंदू जो भी हमारा होगा ना उसको भोंदू नाम नाम दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा यहाँ पे जो जो नेम टैग है वहाँ पे कम्प्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे सोचोगे कि मैंने भोंदू और ये नूबड़ा मतलब क्यों रखा, तो अब यहाँ से मेन काम स्टार्ट होता है, जो कि होता है यहाँ पे हमें चाहिए होंगे यहाँ पे पूरे 3 क्या होते हैं वो विलेजर्स हमें यहाँ पे जो है यहाँ पे चाहिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 3 विलेजर्स चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए एक जोम्बी,
ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो है आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको देखो करना क्या होगा, आपको चाहिए होगा एक यहाँ पे ग्लास, ठीक है। अब वो जो ग्लास होगा वो आपको चाहिए होगा यहाँ पे टिंड ग्लास, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तीन टाइप के ग्लास होते हैं, एक होता है हमारे यहाँ पे ग्रे स्टेन्ड ग्लास, एक होता है हमारे यहाँ पे ब्लैक स्टेन्ड ग्लास, और एक होता है हमारे यहाँ पे टिंड, टिंडेड नहीं, टिंड टिंटेड ग्लास एक होता है ये, तो आपको एक ही आना चाहिए होता है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने अपना ये ले लिया अपना टिंटेड ग्लास, और देखो इसका जो वो होता है ना, जो इसका कलर होता है वो होता है थोड़ा बहुत पर्पल टाइप का होता है ये। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ऐसे ये पूरे तीन लगा देना है, ठीक है। पर मैंने अभी यहाँ पे मैं इसलिए नहीं नहीं लगा रहा, ताकि यहाँ पे जो है अगर मैं लगा दूंगा तो मैं यहाँ पे जॉम्बी को स्पॉन कैसे करूंगा अंदर, तो इसलिए यहाँ पे एक आपको तोड़ देना है, और ताकि जॉम्बी को धूप ना लगे इसलिए आपको ये यहाँ पे जो है आपको इस टाइप से लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अभी हमें एक जॉम्बी स्पॉन करना होगा। अब देखो मैं यहाँ पे अपना क्रिएटिव मोड में हूँ, तो मैं आपको यहाँ पे जो है, तो एक एग होता है स्पॉनर नाम का, तो यहाँ पे देखो बहुत सारे एग है, तो यहाँ पे एक जॉम्बी स्पॉनर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास जॉम्बी स्पॉनर है, और हमें यहाँ पे एक चाहिए विलेजर स्पॉनर, ठीक है। तो मतलब गांव वालों को स्पॉन करना है हमें, और हमारा जो जो विलेजर है उसको स्पॉन करना है। अब यहाँ पे जो हमारा जो जो अपना जो जॉम्बी होगा ना, हमें उसको यहाँ पे नाम देना होगा कोई कोई सा भी, इसलिए मैंने यहाँ पे जो एक अपना नेम टैग रेडी करा था। तो आपको जो है नेम टैग भी इसे जरूर से चाहिए होगा, ठीक है। मैंने आपको जो ये भी सिखा दिया कि आपको नेम टैग रेडी कैसे करना होता है, नाम कैसे रखना होता है, ठीक है। तो अब वो मैं यहाँ पे इसको नेम टैग इसलिए देने वाला हूँ, वरना देखो अगर मैं इसको नाम नहीं नहीं दूंगा ना कोई भी, तो ये जो है अपना ये अपना डिस्पॉन हो जाएगा। मतलब ये अगर मैं इसको 1 मिनट बाद देखूंगा तो ये अपना डिस्पॉन हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है, ताकि ये अपना यहीं पर रहे हमेशा, इसके लिए इसको एक नेम देना होता है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से इसको स्पॉन करता हूँ, और इसको दे दिया मैंने एक नेम टैग। तो यहाँ पे देखो इसका नाम अब से हो चुका है नूबड़ा, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ उसको भोंदू दे दूँ, चलो भोंदू दे देते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने इसका एक नाम दे दिया यहाँ पे भोंदू। अभी यहाँ पे जो है, ताकि इसको धूप ना लगे, तो इसलिए मैं यहाँ पे मुझे चाहिएगा एक टेंडेड ग्लास, ठीक है। तो टेंडेड ग्लास यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं अपना, एंड टेंडेड ग्लास को यहाँ पे लगा देते हैं। अभी जो हमारा जॉम्बी है ये यहाँ से मजा ले, यहाँ से ये हट के दिखा दे कहीं पे भी, ठीक है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे बिल्कुल जगह बना दी है। अभी हमें चाहिए होंगे यहाँ पे पूरे अपने 3 विलेजर्स चाहिए होंगे, तो ये हमारे आ गए यहाँ पे 3 विलेजर्स। अभी देखो जो हमारा जो होगा कि क्या क्या नाम होता है उसका, जो अपना जो आयरन गोगोलम जो होगा ना, वो अपना स्पॉन तभी होगा जब ये जो विलेजर है ना, ये जॉम्बी से ऐसे कांपेंगे, मतलब ये जो है ना इनको वो लगेगा डर, ठीक है। तो वो तभी स्पॉन होगा इनको, मतलब इनकी इनकी देखभाल करने के लिए, ताकि जॉम्बी को मारने के लिए। तो आपको जो करना क्या होगा, अभी देखो अभी एक ही जो है उसको लग रहा है इधर, अभी हमें जो है इन तीनों को यहाँ पर मैं इनको ऐसे घसीट देता हूँ। चलो अब ये भी इससे डरना स्टार्ट हो गया, और भाई तू भी हो जा, चलो अरे हो जा यार, क्या है ये हो ही नहीं रहा, इसको मारना पड़ेगा। एक और स्पॉन करते हैं यहाँ पे इस साइड को, और ये देखो अभी, अब देखो अभी इन तीनों को लग रहा है, पर इन तीनों को वो लग रहा है डर, तू मर यहाँ से, मर यहाँ से। ओ देखो अपना आयरन वाला स्पॉन ही हो गया, तो मतलब ये तो और भी अच्छी बात हो गई। अभी देखो यहाँ पे ये ना, ये आपको बहुत ज्यादा इरिटेट करने वाला, तो इसलिए आपको क्या करना होगा ना, यहाँ पे आपको ये जो हमने लगाए थे ना, ये मैं आपको बताता हूँ, वॉश्ड, हाँ देखो वॉश्ड ऑक्सीडाइज्ड कॉपर, तो ये हमें जो है यहाँ पे इसको यहाँ पे ये जो हमने छोड़ी थी ना जगह, यहाँ पे भी लगा दो, ठीक है। फिर ये स्पॉन नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि जो फिर जो हमारे जो जो विलेजर होंगे उनको जब जब जॉम्बी दिखाई नहीं देगा, तो वो उसको तो उससे डरेंगे क्यों, ठीक है। तो देखो ये दोनों अपना आराम से हो गए, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक वॉल लगा दी। अभी जॉम्बी अपना उधर है, ठीक है, उसको जो है यहाँ पे वो इनको यहाँ पे डरा ही नहीं पा रहा, और ये अपना आराम से सो चुके हैं। अभी इसका मैं कोई काम नहीं, तो मार देता हूँ, मुझे मार भी नहीं मिल सकता, क्योंकि मैं टाइम अपना क्रिएटिव मोड में, ठीक है। इसको अब मर, तो यहाँ पे देखो हमने इसको यहाँ पे मार दिया। अभी यहाँ पे एक भी आयरन गोलम स्पॉन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अभी जो है हम इसको बाद में करेंगे ये वाला सारा काम, ठीक है। मैं क्या करता हूँ इन सबको यार मार दूँ क्या, रुक जाओ इनको, अभी मुझे ना कोई काम नहीं है, तो मैं इनको मार देता हूँ, ठीक है। अभी है ना यहाँ पे मैं इनको तब तब स्पॉन करूंगा जब थोड़ा थोड़ा देर हमें टाइम होगा, या एक काम करता हूँ इनको दोबारा स्पॉन कर देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा इधर को स्पॉन करूंगा मैं इनको, ताकि क्या हो ना इनको लगे ज़ॉम्बी से अपना डर डर लगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल देखो मैंने यहाँ पे तीन आपको यहाँ पे चाहिए होंगे, इस वाली साइड अपने गांव वाले अपने विलेजर्स, और यहाँ पे आपको चाहिए होगा एक ज़ॉम्बी, ठीक है, और उसको नाम जरूर से दे देना। अब आपको यहाँ पे अब आपको यहाँ पे चाहिए होगा वॉश जो एक होता है, हाँ वॉश द ब्लॉक ऑफ कॉपर, ठीक है। अब आपको ये चाहिए होगा वॉश ब्लॉक ऑफ कॉपर, आई थिंक सो, हाँ आपको ये चाहिए होगा। और यहाँ पे जो है अब आपको एक अपना प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पे जो करना है रेडी, ठीक है। तो वो कैसे करना है, ये जो आपको ये जो पूरा ये जो ओपन एरिया ना, इसको पूरा आपको यहाँ पे
देना है, ठीक है, ताकि अपना आयरन गोलम यहाँ पे स्पॉन हो। अभी वो नहीं होगा क्योंकि क्योंकि देखो आयरन गोलम तभी स्पॉन होते हैं जहाँ पे जो हमारे जो गांव वाले होते हैं ना, वो अपने ज़ॉम्बीज़ से जब उनको लगता है डर, तो अपने वो ज़ॉम्बीज़ को अपना बचाने के लिए वो आते हैं, स्पॉन होते हैं। पर जब भी अभी देखो यहाँ पे मैंने एक दीवार खड़ी कर रखी है, तो इनको यहाँ पे ये यहाँ पे ज़ॉम्बी इनको अपना दिखाई नहीं दे रहा, तो इसलिए अपना आराम से सो चुके हैं। भाई बेटा अभी तुम्हें ना सोने नहीं दूंगा मैं पूरी रात भर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जो यहाँ पे एक इस टाइप का अपना प्लेटफॉर्म बना लेना है लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं इसका मैं आपको पहले नाम बता दूँ, मैंने आपको बता दिया पर फिर भी, तो इसका नाम जो होता है ना वो होता है यहाँ पे हाँ वॉज्ड अपना ब्लॉक ऑफ कॉपर, ठीक है। तो आपको ये चाहिए होता है। अभी इससे हम लोग यहाँ पे एक अपना प्लेटफॉर्म रेडी कर लेते हैं। तो अपने पास यहाँ पे दो दो आयरन फार्म हो जाएंगे, बढ़िया है, ठीक है। एक तो अपना वहाँ है जहाँ पे सारे होते रहते हैं फोन जो मैंने बनाया था, और एक अपना यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है। तो फायदा ही फायदा है। तो यहाँ पे हमने ये कर लिया, अभी हमें जो है ये जो बाकी जो ये बची जगह इसको भी पूरा मैं यहाँ पे इससे कवर कर देना है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे इस टाइप से कर देता हूँ अपना कवर। अरे गलत लग गया है। हाँ तो यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने जो है यहाँ पे एक पूरा अपना अपना जो जो होता है अपना प्लेटफॉर्म वो मैंने रेडी कर दिया, ठीक है। और वहाँ पे देखो एक और आयरन गोलम स्पॉन हुआ और वो जो है वहाँ पे जाके लावा में गिर गया, ठीक है। तो अभी देखो आप लोग सोचेंगे कि चलो अभी इतना काम हो गया, पर अभी नहीं हुआ। अभी क्या करना है ना, यहाँ पे ये जो ज़ॉम्बी वाली साइड है ध्यान रखना कि ये जो हमारे जो गाँव वाले ना इनको अब आपको छेड़ना नहीं है, इनको जैसे है ना वैसे रहने दो, ठीक है। ये जो ज़ॉम्बी है ना, ज़ॉम्बी के पास जो आपने ऊपर ये जो अपना ये अपना प्लेटफॉर्म बनाया है इसको एक लेयर और डाल दो, ठीक है। मतलब यहाँ से ये जो ज़ॉम्बी वाली साइड, देखो ये हमारा ज़ॉम्बी है, अब यहाँ से जो है इसे एक लेयर और डाल दो, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये एक्स्ट्रा लेयर हो गई, देखो यहाँ पे जो है ना एक एक्स्ट्रा लेयर हो गई है। तो बस आपको यही करना है, ठीक है, याद रखना। अभी आपको यहाँ पे चाहिए होंगी, आप देखो यहाँ पे जो है यहाँ पे मैंने ये हमारा एक बन चुका है अपना प्लेटफॉर्म जहाँ पे अपना जो आयरन गोलम होगा वो अपना स्पॉन होगा, ठीक है। तो अभी जो है हमें यहाँ पे अपना करना क्या है, अभी आप सोचेंगे आयरन वाला स्पॉन क्यों नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो है एक दीवार खड़ी करके अभी ये जो बीच वाला है ना मैं इसको यहाँ पे तोड़ दूंगा, ठीक है, ताकि जो है आयरन वाला स्पॉन हो। देखो वहाँ पे एक और वो आयरन वाला स्पॉन और वो जो है यहाँ पे देखो हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप से और वो लावा में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल जो है अभी आपको क्या करना है, अभी आपको चाहिए होंगी यहाँ पे वॉल, ठीक है। तो वॉल आपको यहाँ पे चाहिए होंगी पॉलिश वॉल चाहिए होती है से, आप अपना पॉलिश ब्लैक वॉल चाहिए होती है, नहीं गाली नहीं चाहिए होती है वाली, हाँ। तो आपको जो है ये वाली वॉल चाहिए, मुझे जरा थोड़ी ना मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, हाँ। तो आपको यहाँ पे क्या क्या करना है, आपको जो है यहाँ पे एक कॉर्नर छोड़ देना है और बाकी जो है ये लगा के जाओ, ये हर एक साइड में आपको एक कॉर्नर को छोड़ देना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे था, अभी मैं यहाँ पे एक और लगाता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ और इस वाली को तोड़ देता हूँ, ये तो आपको जो है यहाँ पे एक उसका गैप देना है। फिर यहाँ पे हम लोग दोबारा जाएंगे इस टाइप से लाइक दिस, लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ, एंड यहाँ पे एक और लगाएंगे हम लोग यहाँ पे इस टाइप से, तो यहाँ पे नहीं यहाँ पे, और इसको जो तोड़ दो, ठीक है। अभी जो है यहाँ पे हम लोग सेम यही करने वाले हैं, ये हमारी साइड में भी लाइक दिस, नहीं हम यहाँ पे हमें इधर नहीं करना है, हमें ये करना है, इधर मैं आपको दिखाता हूँ, हाँ। तो हमें जो है ज़ॉम्बी वाली जो साइड होगी ना हमें वहाँ पे करना है इसको कवर, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ इस टाइप से, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो है थोड़ा गलत कर दिया था, इसको जो है इस टाइप से लगा दो और यहाँ पे जो है एक और लगा दोगे, हाँ। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे हमें कॉर्नर छोड़ देना है, और जो ज़ॉम्बी वाली साइड होगी ना वहाँ पे आपको ध्यान रखना है, वहाँ की वॉल आपको तोड़ देनी है, ठीक है। मैंने जो यहाँ पे बस ऐसी गलती से लगा दी थी, तो यहाँ पे आपको जो ज़ॉम्बी वाली जो साइड है, ठीक है, ध्यान रखना ज़ॉम्बी वाली साइड में एक वॉल को छोड़ देना है। अभी आपको यहाँ पे चाहिए होगा वो वाटर, ठीक है। तो वाटर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, तो वाटर वाटर हाँ वाटर की आपको चाहिए होगी बकेट, ठीक है। एंड उसके बाद आपको जो यहाँ पे बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे बस ऐसे छोड़ दो पानी सारा, ठीक है, इस टाइप से। और ध्यान रखना जो पानी होगा ना वो नीचे ना अपना चला जाए, गलती होगी मैं पानी है पानी उससे ढंग से कभी आज तक कभी हुआ नहीं मेरे साथ। यहाँ पे ये हमारा पानी आ गया, पानी को आपको लेना है इस टाइप से, बकेट ले लेंगे, बकेट से लेंगे ओके। तो अब हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही हो चुका है भाई, फाइनली मेरे यहाँ पे जो वो था ये अपना एक ये वाला जहाँ पे आयरन गोलम स्पॉन होगा प्लेटफॉर्म, ये बिल्कुल सही हो चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना है जो पानी होगा वो यहाँ पे नीचे ना जाए, ठीक है। तो अभी जो हमें यहाँ पे क्या करना है, अभी हमारा यहाँ पे ऊपर का सारा काम हो चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें क्या क्या करना है, हमें यहाँ पे जाना है अपना अपना पूरा नीचे, ठीक है। और नीचे जाने के बाद जो है
आपको क्या करना है, क्या है यहाँ पे, इसको तोड़ दो अभी। देखो इसको नहीं नहीं तोड़ना भाई, इसको तोड़ना है। देखो ये पूरा ऊपर तक टूटती हुई चली जाएंगी, ठीक है। आपको बस इनका इतना ही भी काम था, अभी बाकी और कोई काम नहीं है आपको इनका, ठीक है। तो फिलहाल जो अभी यहाँ पे हम लोग कोई ऐसा डर्ट वर्ट से इसको ढक देते हैं जो थी हमारी। हाँ तो अभी देखो यहाँ पे मैं क्या करना है हमें यहाँ पे, एक सेकेंड भाई मैंने गलती गलती कर दी यार। एक नहीं, हमने कोई गलती नहीं करी, मैं अंदाजे से कर लूंगा अपने। तो यहाँ पे जो है आपको ऐसे एक फोर जो होता है ना अपने, फोर ब्लॉक्स जो होते हैं आपको ऐसे यहाँ पे तोड़ देने, ठीक है। बिल्कुल सही अंदाजा लगा लूँ। हाँ तो यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे स्टेप से फोर ब्लॉक्स तोड़ देना, और ये जो इसके साइड में आपको जो ग्रास आपको यहाँ पे दिखाई देती है ना, इसको जो है आपको यहाँ पे सबको काट देना है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो बिल्कुल आपको करना क्या, आपको ध्यान लगाना अपने अंदाजे से, मैंने आपको जो करना क्या है यहाँ पे इस टाइप से, ताकि जो आयरन गोल होगा वो यहाँ पे गिरे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे एक ऐसा फोर जो ब्लॉक्स होता है आपको वो यहाँ पे ऐसे तोड़ देना है, और आपको जो है यहाँ पे ऐसे पूरी फोर लेयर ऐसे नीचे जाना है। तो देखो फर्स्ट लेयर तो अपनी हो गई, अब यहाँ पे सेकंड लेयर भी अपनी हो गई, थर्ड और थर्ड थर्ड लेयर हो गई, और ये अपनी फोर्थ लेयर हो गई, ठीक है। लाइक दिस, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी फोर्थ फोर लेयर हमें यहाँ पे नीचे जाना है। अभी यहाँ पे आपको क्या करना क्या होगा, यहाँ पे अब हमें एक सेटअप बनाना होगा, ठीक है। तो सेटअप क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले मैं ये सब काटता हूँ कि मुझे यहाँ पे एक पूरा स्पेस चाहिए होगा। हाँ तो अभी यहाँ पे आपको क्या करना क्या है, यहाँ पे आपको जो है आपको यहाँ पे एक ये वाला ब्लॉक आपको तोड़ना है, और यहाँ पे आपको ये ऐसे दो ब्लॉक ऐसे तोड़ते चले जाना है, ठीक है। और आपको जो है थोड़ा ऐसे बाहर आ जाना है, थोड़ा ऐसे जो थोड़े बहुत ऐसे ये जो ब्लॉक्स होते हैं इनको तोड़ते चले जाओ, और जैसे अपने अंदाजे से जो है ऐसा, जब आपको लगे कि आप बाहर आ चुके हो तब जो है ऐसे यहाँ पे जैसे ऐसे आपको तोड़ देना है इसको, ठीक है, ऐसे ऊपर से। तो अब आपका जो भी आपका जो आयरन इकट्ठा होगा ना वो अब यहाँ पे होगा, ए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो यहाँ से तुम्हारा रास्ता होगा जहाँ से उसको कलेक्ट करने जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आपका सारा सामान इकट्ठा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे हमें एक टॉर्च लगा देते हैं, एक नहीं बहुत सारी हमें यहाँ पे लगानी होगी टॉर्चेस, ठीक है। पहले ये बताओ आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही तो मुझे ज़रूर से बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये हम यहाँ पे लगाते जाएंगे टॉर्चेस 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 टॉर्च टॉर्च टॉर्च, यहाँ पे नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमारी लेटर्स लगने वाली हैं। तो लेटर्स हम लोग यहाँ पे जो है लगा देते हैं, लेटर्स लेटर्स कहाँ है हमारी, ये हमारी लेटर्स, ठीक है, हमारी सीढ़ियाँ। तो सीढ़ियाँ आपको इस टाइप से लगानी है, और ध्यान रहे आपको जो है ग्यारह ब्लॉक छोड़ देना है, ठीक है। अब वो क्यों छोड़ना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसलिए छोड़ना है क्योंकि यहाँ पे हम लोग लगाएंगे एक अपना ट्रैप डोर, ठीक है। तो ट्रैप डोर लगाने के लिए बहुत ईजी होता है, अपना जो ट्रैप डोर होता है उस क्या करना है, ये आपका यहाँ पे आ गया एक अपना ट्रैप डोर, ठीक है। ये जो भी सामान होगा ना सारा आपको नोट नोट कर लेना है, ठीक है, ये मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दे ही दूंगा। तो यहाँ पे ही तुम्हारा ये जो अंडरग्राउंड था यहाँ पे जो है हमने इतना रास्ता बना लिया जाने का। अभी जो हमारा जो आगे का काम होगा चला जाए, हाँ तो अभी जो हमारा आगे का काम है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे चाहिए होगा कोबल स्टोन लाइक दिस, अरे ले ले भाई कोबल स्टोन ले ले, ये आगे हमारा कोबल स्टोन, ठीक है। अभी जो कोबल स्टोन होगा आपको यहाँ पे दो ऐसे रखने हैं, और दो ऐसे रखना है आपको यहाँ पे, ठीक है, टू यहाँ और टू यहाँ, ठीक है, लाइक दिस। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रास्ता तो बना लिया यहाँ पे आने का, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें करना क्या होगा, हमें जो है यहाँ पे ये तो हमने यहाँ पे लगा दिया अपने अपने कोबल स्टोन। अभी आपको यहाँ पे चाहिए होंगे साइन बोर्ड, तो साइन बोर्ड जो होते हैं ये देखो अपना ऑक्स साइन बोर्ड। तो साइन बोर्ड आपको क्या करना है, यानी जो हमारी जो फर्स्ट लेयर थी इससे एक लेयर नीचे, मतलब सेकंड लेयर पे, तो फर्स्ट लेयर यहाँ पे अपना सेकंड लेयर पे करना है, ठीक है। तो दो यहाँ लगा दी, उसके सामने ही दो यहाँ पे लगा दो, ठीक है, ऐसे पहले अपना जो अपनी जो ये जो अपनी फर्स्ट लेयर होती है इसको छोड़ के, ठीक है, एक जो जो आपको सेकंड लेयर पे ऐसे साइन बोर्ड लगा देना है, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे चाहिए होगी चेस्ट, तो चेस्ट हम लोग यहाँ पे इस टाइप से ले लेते हैं, ठीक है। एक सेकंड मुझे आपको ना एक काम करते हैं, यहाँ पे एक लेयर और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, एक और लेयर हम यहाँ पे खोद देते हैं ताकि जो है एक स्पेस आ जाए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जैसे जैसे फाइव लेयर का आपको कर देना है, ठीक है, पहले फोर थी तो एक काम करो फाइव ही कर दो, ठीक है, और फाइव करने को यहाँ पे एक और लगा देते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें यहाँ पे करना क्या होगा, यहाँ पे हम लगाएंगे अपनी चेस्ट, ठीक है। यहाँ पे दो हमने चेस्ट लगा दी जहाँ पे हमारा आयरन इकट्ठा होगा, ठीक है। तो आयरन हमारा यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, और ये हमारी सेकंड लेयर हो गई अपनी साइन बोर्ड्स की। अब इसके ऊपर आपको लगाना है यहाँ पे हॉपर, ठीक है, हॉपर जो होंगे, हॉपर का काम क्या होता है, जो भी आप सामान हॉपर में डालते हो ना वो हॉपर जो है यहाँ पे अगर वो अपनी ये अपनी ये जो अपनी चेस्ट होती है अगर उससे कनेक्टेड है तो तभी वो जो सामान आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको जो अपना शिफ्ट दबाना है,
शिफ्ट दबाने के बाद उसको ऐसे मतलब आपको ऐसे दबाए रखना है ताकि आप जो अपना अपना यहाँ पे अपना क्राउच हो सको, ठीक है, बैठ सको और यहाँ पे एक लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमारा हॉपर है ये इस ये चेस्ट से हो चुका है कनेक्ट। अभी यहाँ पे आपको ऐसे तीन और लगाने हैं, तो इससे यहाँ पे करके एम करके यहाँ पे लगा दो, और ये वाला देखो ये इससे हो गया एरोजाइन नहीं है, और ये वाला इससे हो गया उस वाले से, और ये वाला जो है ये वाला नहीं सॉरी ये वाला इससे हो गया, ठीक है। तो हमारे जो जो हमारे ये जो फोर हॉपर्स थे ये एक दूसरे से हैं यहाँ पे जो ये अपने हो चुके हैं अपने कनेक्ट, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे देखो करना क्या है, यहाँ पे जो अभी हमें एक सेकंड अभी खुल जाए यार ये ना, हाँ। तो यहाँ पे अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, जो हमने ये दो जो हमने यहाँ पे देखो ये हमारा सारा सामान आ गया। देखो जो हमारा जहाँ पे हम अपना जो भी हमारा होगा आयरन हमें वो जो हमें इकट्ठा करना है, ठीक है, क्योंकि अपने तो बना रहे ना वो, तो वो उसका रास्ता मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है, बिल्कुल अंडरग्राउंड। अभी हमें क्या करना है, ये जो ये ऊपर वाली लेयर है ना हमें यहाँ पे डाल देना है लावा, ठीक है। तो लावा ये देखो यहाँ पे मैंने ये डाल दिया अपना लावा लाइक दिस, ठीक है, इस टाइप से मैंने यहाँ पे अपना ये लाभ डाल दिया। तो देखो जो अपना ऊपर वाला काम था वो तो हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे जो है मैं आपको एक चीज दोबारा बता दूँ कि ये जो वॉल्स है ना ये आपको चाहिए होंगी पॉलिश्ड डेस्क प्लेट, ठीक है, नाम याद रख लेना पॉलिश्ड अपना डेस्क प्लेट, ठीक है। मैंने आपको तो बताना भूल गया था, ठीक है, या फिर शायद मैंने बता दिया होगा मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये लगा दिया अपना लावा। अब होगा क्या, यहाँ पे देखो जो हमारे ऊपर आयरन गोलम स्पॉन होंगे ना वो अपना वो यहाँ से देखो उनको यहाँ स्पॉन होंगे वो, और उनको ये जो पानी का जो भाव है यहाँ पे उनको भाव ही कहते हैं, तो वो उनको यहाँ पे जैसे अपना धकेलता हुआ ले जाएगा, उनको ऐसे फोर्स करेगा कि तुम वहीं जाओ, और वो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे भी अभी मैं आपको बताऊँ क्या करना है, ठीक है। फिर वो यहाँ पे आते आते इस लावा में अपना जो है वो अपना गिर गिर जाएंगे, और उनका जो आयरन होगा वो हमें यहाँ पे सिंपली अपना जो है हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा एक एरिया बना लेते हैं जहाँ पे जो है हम अपना एक अपना प्लेटफॉर्म बनाने वाले हैं, ठीक है। अभी हमें एक और बनाना होगा अपना प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पे ये जो है हम लोग इस टाइप से बना लेते हैं अपना प्लेटफॉर्म बना लूंगा मैं लाइक दिस, ठीक है। तो इतना मुझे लगता है काफ़ी होगा, यहाँ पे भी बना लेते हैं छोटा सा, और ये जो घास वास अपने इनको काट दो, इनका भी कुछ काम नहीं होता वहाँ, तो अपना जो वहाँ तो अपना काम चलता ही रहेगा, क्योंकि ये तो मैंने बना रखा ऑलरेडी। अभी वो नहीं हमें सॉरी एक सेकेंड, हाँ तो हमें वो नहीं काटना है, हाँ तो यहाँ पे जो हमारी ये जो घास है ना इसको काट लेते हैं, ये थोड़ा सा काट लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो अभी आपको जो मेन चीज़ जो जो करनी है ना वो आपको बनाने, देखो जो ऊपर आयरन गोलम स्पॉन होंगे वो जब यहाँ पे अपना गिरेंगे तो वहाँ पे जहाँ पे वो अपना गिरने वाले हैं तो मैं वहाँ पे भी अपना एक बना लूंगा अपना अपना प्लेटफॉर्म, तो वो मैं आपको यहाँ पे बनाना सिखाता हूँ, ठीक है। तो करना क्या होगा, आपको चाहिए ये अपने कोबल स्टोन, ठीक है, कोबल स्टोन यहाँ पे आपको चाहिए, और ये जो लावा है ना ये देखो ये अपने यहाँ पे फोर वो ये पूरा एक स्क्वायर है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको इस वाले काउंटर से स्टार्टिंग करनी है, यहाँ पे आपको फाइव की काउंटिंग करनी है, तो 1 2 3 4, और ये जो हमारा अपना फिफ्थ ये अपना ब्लॉक यहाँ पे आपको अपना ये कोबल स्टोन रख लेना है, मतलब कि यहाँ पे देखो आपको 5x12 का आपको एक अपना एक पूरा एक एरिया बनाना है, ठीक है, 5x12 का। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, और यहाँ पे ये जो हमारा अपना फिफ्थ ये था ब्लॉक यहाँ पे आपको एक कोबल स्टोन रख लेना है। अभी आपको जो है सेम चीज यहाँ पे करनी है, ठीक है, इस टाइप से, तो 1 2 3 4 5 एक यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, और अब सेम चीज यहाँ पे करेंगे, तो 1 2 3 4 5 एक यहाँ पे हम लोग रख देंगे, और अब सेम चीज हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 यहाँ पे मैंने ये यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें इन सबको यहाँ पे जोड़ देना है सिंपल, यहाँ पे इनको एक दूसरे से अटैच कर देना है बस सिंपल। तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे मैं कर देता हूँ अटैच लाइक दिस, एक दूसरे से यहाँ पे आपको इनको जोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं इनको इस टाइप से जोड़ देते हैं लाइक दिस। मैं आपको यहाँ पे जो मैं आपको एक लंबी सी वीडियो बना के दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को मतलब वो चल अपना चल 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 सके पता कि मतलब जैसे कि मतलब पूरा एक ऐसा डिटेल में बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो भी कोई भी कट थोड़े बहुत हो सकते हैं कट, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको पूरा ये अपना जो पूरा जोड़ के दिखा रहा हूँ, ठीक है। कई कई शॉर्ट मैं आपको जो है वो कर दिखा दूँगा कर, क्योंकि जहाँ पे मतलब ज़्यादा मैं जहाँ पूछ लगेगा कि टाइम वेस्ट ना हो आपका, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो मैं आपको यहाँ पे एक काउंट करके दिखाता हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड ये अपना 12, ठीक है। तो मैंने आपको ऐसे कहा था कि 5x12 का यहाँ पे हमारा ये एक अपने वो जाएगा रहे, ठीक है, 5x12 का एक पूरा एक एरिया बना देना है, ठीक है, लाइक दिस। भाई यार ये ना क्या नाम होता है ना,
हाँ फैंटम्स होते हैं इनको वही मार दूंगे। चलो छोड़ो अभी फिलहाल हमें अपना काम पे बात पे आते हैं। तो यहाँ पे देखो जो आयरन वाले स्पॉन होंगे वो यहाँ पे जो है वो अपना गिरने वाले हैं। ठीक है मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये देखो जैसे मान लो मैं एक आयरन गोलम हूँ, मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे मैं इस टाइप से गिर गिर जाऊँगा। अभी देखो आयरन गोलम के अंदर इतनी अकल तो होती है कि अगर वो यहाँ पे गिर भी गए तो वो अपना इस टाइप से यूँ ऐसे बाहर कूद के चले जाएंगे। ठीक है तो हमें ताकि वो बाहर कूद के ना जाए हमें यहाँ पे पानी यहाँ पे जो हमें हर जगह लगाना होगा हर एक कॉर्नर पे। तो एक कॉर्नर यहाँ से लगा दो ठीक है लाइक दिस। ठीक है एक कॉर्नर से आपने यहाँ पे वो डालो पानी। देखो जो पानी का जो भाव है वो यहाँ पर आ रहा है। ठीक है देखो यहाँ पे जो है आयरन गोलम को जो जो पानी है ये लावा की तरफ जो है वो उसको घसीटता हुआ लाएगा। ठीक है और ये यहाँ पे क्या कर रहा है ज़ॉम्बी ऐसी की तैसी इधर तो यहाँ पे जो फिलहाल यहाँ पे येरी मारी वाटर वाली जो बकेट होती है। ठीक है अभी यहाँ पे इस साइड हमने इस वाले कॉर्नर में लगा दिया अभी इस वाले कॉर्नर पे लगा दो। ठीक है लाइक दिस। और ध्यान रखे जो पानी ना वो यहाँ नहीं आएगा। वैसे देखो अगर आपने 5x12 का एक आपने रेडी कर रखा है ना तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है पानी जो है उसके यहाँ पे रहेगा मतलब ऐसे कॉर्नर में रहेगा अंदर नहीं जाएगा अगर आपने सही बनाया होगा जैसे मैंने बताया है। ठीक है और एक यहाँ पे यहाँ से ऐसे इस टाइप से डाल देना आपको और एक आपको यहाँ से डाल देना है। ठीक है लाइक दिस। तो अभी जो है यहाँ पे बिल्कुल हमारा रेडी हो चुका है। अब आप सोचोगे आयरन वाला स्पॉन क्यों नहीं हो रहा है तो वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो जो मैंने एक अपनी वॉल बनाई थी इनके बीच में। ठीक है लाइक दिस। तो अभी मैं अगर इनको तोड़ूंगा तो ये सो रहे हैं ना ये आराम से ये अपने यहाँ पे उड़ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ ताकि मैं ग्लास दोबारा लगा सकूँ। तो अपने कहाँ पे ये ग्लासेस हाँ तो अभी जो है यहाँ पे देखो मैं इनको इस टाइप से तोड़ूंगा और देखो अगर मैंने ये अभी यहाँ पे उठने वाले हैं अगर ये नहीं उठे ना तो भाई तुम वीडियो छोड़ के चले जाना। ठीक है ये देखो अभी ये देखो उड़ गया ना मैंने कहा था देखो इन लोगों को यहाँ पे लग रहा है डर और यहाँ पे आयरन गोलम स्पॉन होगा। ओ भाई ओ हो भी क्या कितना फास्ट स्पॉन हुआ देख रहे हो तुम लोग। देखो हुआ और देखो वो जाएगा यहाँ पे लावा में और खत्म। तो हमारा यहाँ पे ये बिल्कुल काम यहाँ पे जो हमारा कर रहा है बिल्कुल वर्क कर रहा है। तो अभी यहाँ पे मेरे पास पूरे दो दो आयरन फार्म हो चुके हैं एक गेरा एक गेरा। ठीक है तो भाई मतलब बहुत मजा आ रहा है। भाई फैंटम तेरी इधर आ चल मर 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 यहाँ से मर खत्म हो जाए यहाँ से। चलो हो गया खत्म। अभी देखो यहाँ पे एक और आयरन गोलम स्पॉन होगा। हो जा भाई जल्दी हो जा अरे हो जा ना हो जा फटाफट से स्पॉन हो जा। ओ हो गया गाइस देखो एक और हो गया और ये देखो यहाँ से जाएगा आजा दिल में शानी आजा के तुमने ये आया और लावा में खत्म। ठीक है और इसको जो आयरन होगा मैंने आपको जैसे बताया था ताकि हम आयरन को कलेक्ट कर सकें। ये देखो ये हमारा रास्ता बन गया एक अपना अंडरग्राउंड और यहाँ से जो है अभी हम जाएंगे और इसका जो सामान होगा वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे इंक्रीज हुआ और हमारे पास पूरा 10 आयरन आ चुके हैं। मतलब क्या ही तुम्हारे भाई ने बिल्कुल मस्त बिल्कुल बना दिया एक आयरन फार्म। एक बार और देख लेते हैं स्पॉन हो रहा है नहीं हो रहा भाई कहीं ऐसा ना हो एक दो स्पॉन हो के खत्म हो गया फिर तो स्पॉन हो जा। और ये देखो एक और स्पॉन हुआ और यहाँ पे आके खत्म पूरा लावा में। ठीक है एक सेकंड थोड़ा अच्छा सा व्यू देते हैं ना थोड़ा यहाँ से जो है यहाँ पे हाँ बस। तो यहाँ पे जो है तो यही तक आज की इस वाली वीडियो में। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। एंड भाई इतनी मेहनत लगी मतलब देखो अभी क्या हो रहा है हाँ तो भाई मतलब बहुत ज़्यादा जो है मैंने यहाँ पे मेहनत भी लगी और काफ़ी ज़्यादा जो है हाथों में दर्द भी हो गया करते करते। तो यही तक आज की वीडियो में वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। एंड मिलता हूँ आपको इस वाली वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय।